दोस्तों अभी मैंने ये कबूतर का बच्चा देखा है, उन्होंने दूसरे वाले को फीड कराई दी है, इसको बिल्कुल भी फीड नहीं करा रहे, मतलब कल से इसको फीड नहीं करा रहे। तो मैंने इसको निकाला है, मैंने सोचा है कि मैं इसको खुद शायद थोड़ी सी फीड कराऊं, इसके जान में जान आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने जैसे ही इस बकरी को खोला ना, बेचारी बहुत प्यासी थी, तो उसको मैंने ना पानी पिला दिया, और ये सिर्फ खा रही है सूखा, तो पानी की क्वांटिटी इसको वैसे ही कम मिल रही है, तो मैंने इसको अलग से भी पानी पिला दिया है। अभी मैं इसको दूंगा सूखा मिक्स करके, फिर बकरियों का चारा भी भिगो दिया, इनको बनाते हैं। अभी देते हैं हम अपने कबूतरों को, फिर कबूतरों को देने के बाद देखेंगे बच्चों को। दोस्तों ये दाना आ गया कबूतरों का, अभी चलते हैं अंदर। वो बच्चे हमारे ऊपर बैठे हैं, ठीक है, इनको मैंने अलग से दाना ना इस बर्तन में डाल दिया था। इनका दाना मैं ऐसे करता हूँ कि अलग से ना इस तरह इस बर्तन में डाल देता हूँ कि कबूतर ना एक्स्ट्रा जो फीड होती है ना वो भी कर लेंगे। देखिए देखिए इसको मैं निकालूँ, माशाल्लाह से क्या प्यारा कलर आ रहा है। अब बाकी तरह आप ये देखें, ये मामा के पास गया अपनी, ये ऐसे फिर मांग रहा है, चलो 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 खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। ये इसको मैं बहुत जल्दी ना फीड कराना स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। इस वाले बच्चे को ना इसको हम हैंड टाइम करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हैंड टाइम करेंगे, जैसे इसके अब्बा आता है ना, इसके अब्बा इसके अम्मा बात है, वैसे ही मैं उसको भी करूँगा। भाई इसे खा लो, चलो वहाँ पे भी जाओ, कुछ 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 वहाँ पे भी जाओ। आई आई ऐसे मांग रहे, ऐसे मांग, चलो 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 ना, अभी तो अंदर चलो, अभी तो अंदर चलो, अभी तो अंदर चलो, अभी देंगे मम्मा पापा। ये वाले बच्चे देखते हैं अभी, आई टुन टुनारी पड़े में पहली से, ओहो माशाल्लाह से खाया हुआ जाना, इसने कम खाया हुआ है, इसने ज़्यादा खाया हुआ है, अभी खिलाएगी मम्मा आके खिलाएगी। चले बाहर चलते हैं, बाहर कोई हमें बुला रहा है, कौन बुला रहा है? बकरी, बकरी को ना पहले अंदर बांधते हैं, फिर उनको इसको दाना देते हैं, और उसके बाद में मुर्गियों को भी दे दूँगा। दोस्तों हमारी बकरी तो खा नहीं रही है वो गीला, तो उसको यही मिक्स करके सूखा देता हूँ, तो शायद खाए। चलो अंदर चलो, खा रही है। चले ठीक है, कुछ तो खा रही है, जब तक कि ये हमारी बकरी ये खाती है दाना, तो मैं इनका दाना बना देता हूँ, फिर इसके बाद में दूंगा अंदर। दोस्तों ये दाना आ गया डकीस का और मुर्गियों का, पहले ये डकीस को दे दूँ मैं, मुर्गियों को दे दूँ पहले। आओ डकीस, डकीस आओ, डकीस आओ, आओ डकीस, आओ डकीस, चलो उधर। इनको मैंने दाना दे दिया मुर्गियों को, डकीस वहाँ खा रही हैं। अभी जाना है हमको लकड़ी कटवाने के लिए, ऐसी लकड़ियाँ ना कम पड़ रही हैं, तो इस साइज़ की लकड़ियाँ और कटेंगी, चार लकड़ियाँ। दूसरे को देखें, वो कबूतर ना अपने बच्चे को खिला रहा है, इसको मैंने अपने हाथ से खिलाया था, तो ये जाके अपने बच्चे को खिला रहा है, ऐसे खिलाते हैं। वो दूसरी वाली गई अभी ऊपर, वो ऊपर गई है, वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए गई है। ये वो करेगी, पहले तो जो मैंने दाना रखा था ना वो खा रही है,
मैंने अलग से दाना रखा था कि बच्चों को खिलाएगी, एक्स्ट्रा फीड होगी तो खिला देगी। ये मेल अपने बच्चे को इस तरह खिला रहा है, चारा दे दिया, इसको मैंने सूखा दिया, ये सूखा खा रही है, इनको मैंने गीला दिया, जैसे मैं बना के देता हूँ खल वगैरह, छिलका और भूसा अट्टी, और वो खा रही है अपना गीला सूखा। तो ऐसे ऐसे बकरी की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, डाउन नहीं हुई है, खाना से कम खाया है लेकिन बेहतर है ये कंडीशन वाइज। बकरियों को दे दिया हमने, अब चलते हैं अंदर, अंदर जाके फिशर वगैरह को देखते हैं कि कैसे हैं वो। दोस्तों आज हम लेके आ गए हैं बाजा, आज इनकी डाइट थोड़ी सी चेंज करी हमने। आजा आजा आजा, ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, दूर दूर डाल दूँ तो आराम से खा लूँ। तो मैं भी दे रहा हूँ भाई, इतना दे रहा हूँ, तुम बिल्कुल टोन हो गई थी। दोस्तों सबको दाना पानी दे दिया है, फिशर अभी बाहर नहीं आए, दोनों अंदर है, एक अंडा टूटा हुआ है, दूसरा अंडा ये रहा, अंदर इतना सारा दाना भरा हुआ है, क्या करते हैं ये। ये आ गए खाना खाने के लिए बजीस, कबूतर और मुर्गियाँ भी खा रही हैं, इसको भी दे दिया मैंने। तो दोस्तों अभी हमारे पिंजरे का काम शुरू हो जाएगा, लकड़ियाँ कटने के लिए जा रही हैं, थोड़ा सा काम बाकी है, वो लकड़ियों का करा लें तो फिर उसके बाद पूरा एक साथ शुरू करेंगे, क्योंकि लकड़ियाँ कम पड़ रही थी, हिसाब लगाया तो इसमें लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं, लकड़ियाँ इसमें बहुत ज़्यादा लगेंगी। ये तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फिट हो गया, ये अच्छा खासा बड़ा है, ये मेरी हाइट से भी ऊपर है और स्पेस इसमें बहुत है, कम से कम इसमें 50 जोड़ों की स्पेस है, लेकिन 25 जोड़े इसमें डालने चाहिए, बज्जी केस में 25 जोड़े आने चाहिए। दोस्तों अभी मैंने ये कबूतर का बच्चा देखा है, उन्होंने दूसरे वाले को फीड कराई दी है, इसको बिल्कुल भी फीड नहीं करा रहे, मतलब कल से इसको फीड नहीं करा रहे, तो मैंने इसको निकाला है, मैंने सोचा है कि मैं इसको खुद शायद थोड़ी सी फीड कराऊं, इसके जान में जान आए, ये दाना मांगने लगे, या तो ये दाना नहीं मांग रहा है या तो ये इसको फीड नहीं करा रहे। और इसको अगर ये कबूतर जो नए वाले जो बच्चे आए ना उनको फीड नहीं करा रहे, तो अभी देखना ये है कि क्यों फीड नहीं करा रहे। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा सा दाना लेकर आया हूँ, इसको मैं दे दाना अपने हाथ से ना इसको फीड कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। दोस्तों हमने कबूतर के बच्चे को दाना तो खिला दिया है, बड़ी मुश्किल से, वो तो इत्तेफाक था कि हमने उसको देख लिया, लेकिन अगर नहीं देखते तो शायद वो भूखा रह जाता। खैर एक को खिलाया बता उन्होंने, दूसरे को नहीं खिलाया बता, दूसरे को हमने खाना खिला दिया है और पानी भी पिला दिया है, खिलाया बड़ी मुश्किल से, दूसरा बंदा नहीं था, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता, वीडियो में दिखाना चाहता था कि कैसे खिलाया उसको, उसको अपने मुँह से खिलाया मैंने, उसको पानी भरा मुंह में, फिर उसके मुंह में डाला,